சத்யபாமா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சென்னை. मेक्सिको को अपनी मिस यूनिवर्स मिली है, वहीं भारत की एडलिन कैस्टेलिनो टॉप फोर में जगह बनाने में कामयाब रही हैं। आपको बता दें 69th मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में सेमिनोल हार्ड रॉक होटल एंड कैसीनो हॉलीवुड फ्लोरिडा में आयोजित किया गया। अपने अपने देशों के सभी प्रतियोगिता के विजेता ताज के लिए एक दूसरे को टक्कर देते हुए वहाँ एकत्रित हुए हैं। इस कॉम्पिटिशन में 73 देशों की पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। कौन देश रहा टॉप 5 में? इस कंपटीशन के विजेता के खुलासे से पहले फोर्थ रनर अप को मिस डोमिनिकन रिपब्लिक किम्बर्ली जिमेनेज घोषित किया गया था, जबकि मिस इंडिया एडलिन कैस्टेलिनो द थर्ड रनर अप रही थी। साथ ही सेकंड रनर अप मिस पेरू जीनिक मचेटा रही हैं। अंतिम दो प्रतियोगी ब्राजील की जूलिया गामा और मिस मेक्सिको एंड्रिया रही थी, लेकिन ये मेजा थी जो विजेता हुई है। मिस मेक्सिको एंड्रिया मेजा को नई मिस यूनिवर्स के रूप में घोषित किया गया है। उनको शानदार तरीके से ताज पहनाया गया है। आपको बता दें कि पिछले साल कोरोना महामारी के कारण ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं हो सका था। आखिरी बार साल 2019 में साउथ अफ्रीका की जोजीबिनी तुंजी ये खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई थी। कौन है मेजा? मेजा के इंस्टाग्राम अकाउंट के अनुसार वे चिहुआ टूरिज्म की एम्बेसडर है। इतना ही नहीं, वे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करती हैं। मेजा अपने सेल्फ टाइटल्ड एथलेटिक क्लोथिंग के ब्रांड एंड्रिया मेजा एक्टिव वेयर की मालिक भी हैं। एडलिन कैस्टेलिनो किसानों की आजीविका के लिए काम करने वाले वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कोऑपरेशन फाउंडेशन के साथ काम करती हैं।